हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है समर। तो गाइस, आज हम ऐसी टॉर्च बनाएंगे जिस वजह से बाइक की हेडलाइट होगी। और भाई यकीन मान ली किलोमीटर तो गाइस आप उसकी लाइट मार सकते हो। और भाई साहब, किसान के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट गैजेट है और गाइस स्टूडेंट्स के लिए। गाइस आप अपना मोबाइल भी चार्ज कर सकते हो, इमरजेंसी के लिए आप उसका यूज कर सकते हो। गाइस देखने में काफी हैवी और भाई यूज करने में काफी मस्त होने वाली है। प्लीज दोस्तों कम्प्लीट वॉच कीजिएगा, बहुत मजा आएगा इस वीडियो में। चलेगा, चलते हो फटाफट अपने टॉपिक पर। चलिए समर एक्सपेरिमेंट। हाँ तो गाइस मैं फटाफट आ गया हूँ। भाई सीधी बात, नो बकवास, बात तो सही है। तो गाइस ये मैंने कुछ पीवीसी पाइप के पीस कट कर लिए हैं, सिंपल सी बात है। भाई साहब बताने को कोई जरूरत है नहीं, टूटा तो नहीं, मैंने अच्छी क्वालिटी का लिया है। भाई ना जोड़ने से पहले इनके पहले डायमेंशन भी देख लेते हैं, ठीक है। तो गाइस इन चारों की डायमेंशन आपको बताता हूँ। देखिए 95 mm, 45 mm यानी कि 9.5 सेंटीमीटर के, और भाई है 97 mm यानी कि 9.7 सेंटीमीटर, और भाई सेम 45 के सारे। तो गाइस ये थोड़ा सा यूनिक डिजाइन लग रहा है। वैसे गाइस मैंने काफी गोल शेप, मैंने कि राउंड शेप में टॉर्च इमरजेंसी लाइट बना दी है। तो गाइस मैंने सोचा इस बार थोड़ा सा चेंजेस करते हैं। तो गाइस स्क्वायर बनाने में थोड़ी सी मेहनत ज्यादा लगी, क्यों गाइस आप जानते हो अगर आपको गोल बनानी हो तो सीधा पीवीसी पाइप ले लो, क्योंकि ऑलरेडी गोल होता है और भैया उसमें एलईडी लगा दो। लेकिन भाई ये कि थोड़ा सा अलग डिजाइन होना चाहिए। तो गाइस आप देख सकते हो ये बिल्कुल मस्त स्क्वायर है। अब गाइस ये एक नवा पीस लिया है, मैं इसका मुंह बंद करूं। सॉरी गाइस मैं अपना नहीं कर सकता, तो भाई फिलहाल मैं इसका मुंह बंद कर देता हूं। मैंने कट कर लिया है जिससे गाइस आपका टाइम बर्बाद टॉपिक से भटक जाएंगे। तो गाइस पहले हम इनकी डायमेंशन देख लेते हैं। हम डायमेंशन देख रहे थे। हाँ तो भाई सिंपल तरीके से डायमेंशन देखते हैं ना। तो भाई 3 इंच और 3 इंच, ये दोनों 3-3 इंच, और भैया लेंथ है 5 इंच, और भाई साहब इसकी लेंथ भी सेम 5 इंच है, लेकिन इसकी जो चौड़ाई है वो है 6 सेंटीमीटर। फटाफट इसका भी हम बॉक्स बना लेते हैं। तो गाइस थोड़ा सा, बल्कि थोड़ा सा नहीं भाई, बहुत ज्यादा अलग इसका लुक लग रहा है। आपको गाइस देखने में लग रहा होगा भाई ये क्या बना दिया समर तूने। अब गाइस थोड़े से और फंक्शन ऐड करने जिससे भाई ये यूजफुल हो जाए आपकी डेली लाइफ के लिए। तो भाई इस पर भी कलर करना है, लेकिन उससे पहले हम इसके अंदर थोड़ी कुछ कटिंग कर लेते हैं जिससे थोड़ी बाद में दिक्कत ना हो। भाई ये रहा पावर बैंक मॉड्यूल, 6 वोल्ट से लेकर 24 वोल्ट के बीच में आप इसे वोल्ट दोगे तो आउटपुट 5 वोल्ट निकालेगा, 3 एम्पीयर, और इसकी जो चार्जिंग एफिशिएंसी है वो 97.5 है। तो मतलब काफी मस्त ये चार्जिंग मॉड्यूल है, इसको लगाएंगे। प्लस एक छोटी एलईडी लाइट भी लगाएंगे, जो गाइस ये वैसे छोटी नहीं है, काफी अच्छी इसकी ब्राइटनेस है, 2.4 वाट की है और ये 12 वोल्ट काम करती है, IP65 है, थोड़ी लो लाइट हमें चाहिए तो गाइस इसका यूज कर सकते हैं। वैसे गाइस इतनी लो नहीं है लेकिन भाई काम मस्त करती है। तो गाइस फटाफट भैया इसमें कटिंग कर लेते हैं। भाई साहब होल करने में बहुत मेहनत लगी है भाई, लेकिन भाई साहब मैंने होल काफी अच्छी क्वांटिटी में की है जिससे भी हवा का आदान प्रदान बना रहे। तो गाइस अब आते हैं इसके हैंडल पर। तो भैया फटाफट इसका हैंडल बनाते हैं। लीजिए गाइस कैसा लग रहा है इसका नन्ना मुन्ना से हैंडल। ग्रिप गाइस काफी मस्त रहेगी, हाथ में नहीं लगेगा। और भाई यहाँ पर मैंने 4 स्क्रू लगाए हैं, ये जिप्सम स्क्रू है और ये मैंने अंदर ही कर दिए हैं। देखिए भाई ये बहुत कम निकल रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। भाई इसके साथ साथ मैंने इसका ये ऊपर का जो ढक्कन है कैप है ये भी कट कर लिया। देखो ये भैया ऐसे इसमें फिट हो जाएगा। और भैया ग्रिप देखो ये अब भी नीचे काफी रह रही है तो आप आराम से ऐसे पकड़ सकते हो। और गाइस यहाँ पर मैंने स्क्रू क्यों लगाए, भाई मैं इसे यहाँ पर चिपका भी सकता था, बहुत ईजी है। लेकिन भाई अगर मैं इसे चिपका देता तो भाई हम एलईडी कैसे निकालते, इसमें बैटरी कैसे डालते। तो गाइस अब मैं इसे खोल सकता हूँ, लगा सकता हूँ और खोल सकता हूँ इस हैंडल को। तो भाई अभी इसमें बहुत सारा काम है गाइस, यकीन मानिए तो आई थिंक 2 या 3 दिन लग जाएंगे इसे बनाने में। तो गाइस अब आते हैं इसके आगे, हमें गाइस कोई ना कोई सी ट्रांसपेरेंट शीट लगानी होगी। तो भाई ये है एक्रिलिक शीट यानी कि ट्रांसपेरेंट शीट, इसे लगाते हैं।
भाई ये कट तो चुकी है लेकिन मैं इसे अभी नहीं लगाऊंगा, पहले पेंट करना है, एलईडी बैटरी ये सब फिट करनी है, उसके बाद फिट होगी। तो लीजिए भाई साहब, मैंने इस पर येलो कलर किया है, इसलिए क्या गाइस क्योंकि नाइट भी अच्छा चमकता है और दूर से भी काफी अच्छा चमकता है, यानी हाईलाइट रहता है। तो भाई साहब इसका हैंडल मैं निकाल दिया है क्योंकि मैं इसमें फिटिंग करने वाला हूं और बाद में लगा दूंगा। भाई सबसे पहले मैं इसे चिपका ले, और चिपकाना बहुत ईजी है, तो गाइस हम यूज करेंगे ग्लू गन का। तो गाइस क्या आपको लगता है निकल जाएगा? अरे भाई नहीं निकले, काफी हार्ड ये ग्लू स्टिक है, तो बेफिक्र रहो। अब लगाते हैं भाई इस पर एलईडी। तो भाई साहब ये रही एलईडी, निकल के गिर ना जाए, हाँ ना निकलेगी। और गाइस ये मिले मुझे 350 रुपए की, और ये काफी कॉस्टली भी आती है, ठीक है। तो भाई आप कोई सी बुला सकते हो, काफी तेज रोशनी इसकी, भाई यहाँ पर पढ़ सकते हो। एक बात और देखिए, 60,000 घंटे इसकी लाइफ है, डीसी 8 वोल्ट से लेकर 48 वोल्ट तक वर्क करती है, 36 वाट की 38 LM इसकी ब्राइटनेस है, और स्पेसिफिकेशन गाइस आप खुद पढ़ सकते हो। और भाई इसके अंदर एक फैन भी लगा हुआ है जो गाइस कूल करते रहे। ये भाई मैं हार्ड वाली ग्लू स्टिक लगा रहा हूँ, तो बेफिक्र रहिए निकलेगा नहीं, और वैसे गाइस हीट सिंक से कूल करते रहती है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलो गाइस अब फटाफट इसकी बाकी फिटिंग करते हैं। तो गाइस मोस्टली सारी फिटिंग हो चुकी है, एलईडी भी लग गई है, ये वाली एलईडी भी लग गई है, चार्ज सॉकेट लग गया है, पावर बैंक मॉड्यूल भी लग चुका है। भाई वाला जो पावर बैंक है ये ऑटोमेटिक ऑफ नहीं होता, तो गाइस इसके लिए हमें एक अलग से स्विच लगाना पड़ता है। इस स्विच को ऑन करके आप मोबाइल चार्ज कर सकते हो इससे, या मतलब इसे ऑन ऑफ कर सकते हो, ये रहा। और ये ज्यादा बाहर निकला नहीं है। और भाई ये जो स्विच है 3-way स्विच है, 1, 2 और 3, ठीक है। तो गाइस नेक्स्ट से यानी कि आगे वाले जिले का गाइस आगे वाले ही, और पीछा भी से करोगे तो गाइस ये वाली लाइट जलेगी। तो भाई बात है फटाफट की बैटरी पर। तो भाई साहब आपको पता है मैं कौन सी बैटरी लगाने वाला हूँ, लिथियम आयन बैटरी 18650 लैपटॉप की बैटरी है, और गाइस ये 6 बैटरी है और ये BMS है। तो भाई आप इसका कनेक्शन देख सकते हो, बहुत इजी कनेक्शन है, वैसे आप कोई बैटरी लगा सकते हो, लेकिन भाई ये बैटरी काफी लाइट वेट और कोई पानी वानी झंझट नहीं रहती, और इसकी लाइफ भी काफी अच्छी रहती है। तो फटाफट गाइस इसे लगाते हैं। तो गाइस कनेक्शन बिल्कुल कंप्लीट हो चुके हैं, यहाँ पे गाइस देख सकते हो कुछ मैंने छोटे छोटे पीस लगाए पीवीसी के, जिससे मैं इसको जो कैप है उसे रिमूवेबल बना सकूं, जिससे मैं उसे निकाल सकूं और लगा सकूं स्क्रूस है। और गाइस मैं इसके मोटा मोटा कनेक्शन बताता हूं, और भाई इसके कनेक्शन देख लेते हैं, बहुत सिंपल कनेक्शन है, जितनी भी चीजें सबका नेगेटिव सीधा डायरेक्ट BMS पर, ये देखिए सारे मिला दिए हैं। पावर बैंक मॉड्यूल का नेगेटिव पॉजिटिव डी सोर्ट नेगेटिव पॉजिटिव डायरेक्ट मैंने BMS पर लगा दिए, क्योंकि इसका स्विच अलग है, ये स्विच से ऑन ऑफ होगा, ठीक है। ये वाली जो एलईडी है इसका डायरेक्ट नेगेटिव है सीधा स्विच पर, ये रहा पॉजिटिव सीधा बैटरी पर। अगर मैं इसे धर करता हूं देखिए ये चल जाता है, ठीक है। नेगेटिव तो ऑलरेडी कनेक्ट है, पॉजिटिव का हमें स्विच पे लगाना है। अब नेगेटिव इसका भी ऑलरेडी कनेक्ट है बैटरी से, इसका पॉजिटिव देखिए, यानी कि जो एलईडी है बाइक की इसका देखिए पॉजिटिव सीधा ये रहा। अगर मैं ऐसा करता हूँ तो भाई ये चल जाएगा, तो उसका पंखा भी चलेगा, आप इसकी आवाज़ सुनेगा, तो आवाज बहुत कम आती है। वैसे अगर मैं माइक ले जा रहा हूँ तो आपको ज्यादा आ रही होगी। अभी रहा भाई साहब इसका हैंडल, हैंडल पर हमें एक स्विच ऑन लगाना है, जिस तरह हम इसे ऑन ऑफ कर सके इमरजेंसी के लिए। तो भाई ये रहा पुश स्विच, फटाफट से फिट करते हैं। भाई स्विच के वायर मैंने सीधा यहाँ लगा दिए, देखिए ऐसी वायर से चल जाएगी, ठीक है। और भाई इसे भी चल जाएगी, तो चलिए भाई इसे लगा देते हैं। बहुत अच्छे से गाइस ये टाइट हो गए, जब मर्जी आप इसे खोल सकते हो। वैसे तो बिना हैंडल के भी आप इसमें रिपेयरिंग कर सकते हो, लेकिन अगर बैट वेट निकल नहीं तो आप इस हैंडल को खोल सकते हो। अब चले गाइस इसको लगा दे भैया, क्या साउंड है, बेहतरीन। तो ये हिफाजत करेगा अपनी उसकी एलईडी की।
तो गाइस ये बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। और गाइस कैसा लुक आ रहा है प्लीज दोस्तों कमेंट करके बताएं। हाँ हो सकता है आपको थोड़ा येलो कलर पसंद ना आए तो आप चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो गाइस फ्लावर्स की पहले टेस्टिंग करते हैं। तो भाई पहले से चार्ज करके देख लेते हैं। चार्ज हो रही है क्योंकि इस बैटरी ये चार्ज है तो तुम्हारे चार्ज नहीं हो रही। देखिए रेड एलईडी जलेगी। भाई आप आराम से 12 वोल्ट अडैप्टर से चार्ज कर सकते हो। अब चला गया इससे मोबाइल भी रिचार्ज करके देखते हैं। ये रही भाई से डेटा केबल, इसे लगाना है यहाँ पर, ठीक है। और इसे ऑन कर लेते हैं। इसके अंदर का इस छेद है तो इनमें इंडिकेटर आपको दिख जाएगा रेड कलर का। लगाते हैं भैया। और भाई ये फास्ट चार्जिंग सपोर्ट है मोबाइल, और वो फास्ट चार्जर है 3 एम्पीयर में। देखिए 45 मिनट में फुल मोबाइल चार्ज हो जाएगा, देख सकते हो 48% बैटरी है फिलहाल। गाइस आप बाय चांस खेतों में जाते हो तो इसका बैटरी बैकअप काफी मस्त है, आप नाइट में इसका यूज कर सकते हो, मोबाइल आप इससे अपना आराम से चार्ज कर सकते हो। तो गाइस ये दोनों ऑप्शन आपके लिए क्लियर कि गाइस दोनों ही मस्त काम कर रहे हैं। तो गाइस चार्ज भी ठीक हो रहा है, मोबाइल भी चार्ज ठीक कर रहा है, फास्ट कर रहा है। अब भाई साहब इसकी छोटी लाइट टेस्ट करते हैं पहले कि भाई इसका क्या फायदा है। देखा सिंपल सी बात है भाई, हम इसे ऐसे रख देंगे, ठीक है। और भाई हमें कहीं भी खाना खाना हुआ रात के टाइम, पढ़ना लिखना हुआ, हाँ हमें प्रैक्टिकल देख लेते हैं लाइट बंद करके। तो भाई मैंने बिल्कुल लाइट कम नहीं की है, एक लाइट जल रही है बस, ठीक है। देखिए तो गाइस की जो ब्राइटनेस है काफी तेज है, तो आप आराम से मतलब बहुत ही प्यार के साथ पढ़ाई लिखाई कर सकते हो, खाना खा सकते हो, ऑफिस का काम कर सकते हो। बाइच मतलब इमरजेंसी में लाइट बग गई है, इन्वर्टर की बैटरी लो हो गई है, तो ये काफी मोस्ट इंपोर्टेंट गैजेट है। चले गाइस अब फ्रॉड्स की बड़ी लाइट जो कि गाइस बाइक की एल्ड लगाई है वो चेक करते हैं उसका क्या इफेक्ट आता है। तो किसान भाइयों ये मेरे फ्रेंड्स स्टूडेंट्स, चलिए इसे मैं ऑन करता हूँ और आपको यकीन नहीं होगा भाई यही है। देखिए भाई गाइस पूरा का पूरा स्टूडियो ऐसे चल गया, देखिए जैसे गाइस दिन निकल के आ गया हो। देखिए बहुत ही ज्यादा लाइट तेज है भाई, और आई थिंक गाइस आप इसका यूज कम ही करोगे क्योंकि छोटी लाइट का यूज ज्यादा करोगे। ये तो गाइस इमरजेंसी के लिए, हाँ वैसे यूज कर सकते हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसे नहीं कि भाई चलेगी नहीं, अच्छा चलेगी। इसके अंदर फैन है, कूल होती रहेगी तो इसकी लाइफ अच्छी रहेगी, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 60,000 घंटे का इसकी लाइफ है, बड़ा चल रही है। और मैं इसे बटन से चला रहा हूँ, ठीक है, मैं इसे स्विच से भी चलाता हूँ। देखिए स्विच ऑन कर दिया है मैंने, आधा डाली है तो कहिए अब स्विच से चल रही है। देखिए ओ भाई पूरा का दिन ही निकल गया, मस्त बिल्कुल। चले गाइस हम बाहर भी चलते हैं। तो भाई साहब तो यहाँ पर काफी ब्राइटनेस देखी, और शायद गाइस आपको कैमरे पे ऐसी लाइट ना दिखे जैसे मैं बिल्कुल लाइट देख सकता हूँ अपनी आंखों से। तो गाइस एक बार और चला के देख लेते हैं, बिल्कुल गुप्त अंधेरा है, देखिए बिल्कुल गुप्त। और भाई साहब ऑन, देखिए भाई देखिए देखिए ऐसा कुछ नहीं, देखिए गाइस मैं बंद कर रहा हूँ। देखिए तो गाइस आई होप ये जुगाड़ आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज दोस्तों लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें इस वीडियो को, भाई बहुत ही मस्त चीज है, बहुत काम की चीज है। अपना मोबाइल चार्ज करो, आराम से खाना खाओ, पढ़ो लिखो, कुछ भी करो, आराम से गाइस यूज कर सकते हो। तो फ्रेंड्स प्लीज वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और गाइस जरूर बताएं ये जुगाड़ या आइडिया आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच, जल्दी मिलते हैं, बाय बाय।